जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। Oh,
श्री लक्ष्मी गोपाल भगवान की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे 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 नाथ स्वामी की जय। आप सभी पत्रकार बंधु व विभिन्न समाज संगठनों से पधारे सभी अध्यक्ष और कार्यकारिणी के सदस्यों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। 27 अप्रैल 2007 को जगन्नाथ धाम मंदिर की स्थापना हुई थी और इस रथयात्रा में विभिन्न समाज संगठनों का व सभी धर्म प्रेमियों का अनूठा सहयोग रहता है। उसके लिए जगन्नाथ धाम सेक्टर 7 की समिति आप सभी का आभार व्यक्त करती है। संतोषी माता मंदिर से वाया दिल्ली गेट होके बाबू बाजार में एक भव्य महाआरती का आयोजन किया गया और वो आरती एक सफल मील का पत्थर साबित हुई पिछले वर्ष, और इस बार हमने लगभग उसके आसपास की सारी कॉलोनियों को हमने जोड़ा है। रात को 12:15 बजे लगभग 6,000 आदमी वहाँ उपस्थित थे और हर आदमी के हाथ में दिया था उस महाआरती का, भगवान जगन्नाथ की आरती का आनंद लिया था लोगों ने। और इस वर्ष भी वही उससे भी ज़्यादा तैयारी है, इस बार बाबू बाजार में भी 31,000 दीपों के द्वारा आरती की जाएगी। 31,000 जगन्नाथ स्वामी की जय। हमने 7 जगहों पर भव्य आरतियों का आयोजन किया गया है। आप कहेंगे 7 आरतियों की क्या आवश्यकता है, जब जब ध्वजारोहण होता है तब तब नीचे फिर आरती करनी जरूरी होती है। और हमारी हमारी इस रथ यात्रा को 3 बार हमको ध्वज उतारना पड़ेगा। पहला एक रेलवे क्रॉसिंग जो यहाँ पर है यहाँ उतारना पड़ेगा, दूसरा हमको दूसरी रेलवे क्रॉसिंग पर उतारना पड़ेगा, और तीसरा यहाँ पर मंगला आरती का आयोजन है, उसके बाद जड़ाव नर्सरी पर भोग आरती का आयोजन होगा, रेती स्टैंड पर हम श्रृंगार आरती का आयोजन करेंगे, किशन पोल पर, किशन पोल हमारा बहुत पुराना प्राचीन दरवाजा है और कृष्ण के नाम पर है, इसलिए वहां पर शौर्य आरती, भगवान कृष्ण के शौर्य के अनुरूप हम सबका आचरण हो, इसलिए वहां किशन पोल पर शौर्य आरती का आयोजन है। और शाम को हमारे 5वें और 6वें प्रहर के बीच भगवान जगन्नाथ की बाबू बाजार में महाआरती करेंगे, समय कुछ फिक्स नहीं है। सभी धर्म प्रेम बंधुओं, आप सबकी जानकारी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़े स्मार्ट वार्ड से सभी समाज की सहभागिता से निकलने वाली है। इससे पूर्व दस तारीख को पारंपरिक रथ जो भगवान जगदीश का मंदिर की परिक्रमा में रहता है वो जीर्ण होने से हनुमान जी चौहान अपने माता पिता की याद में वो रथ नया रथ बनवाकर समोरबाग से सायंकाल 4 बजे महाराणा महेंद्र सिंह जी की अगुवाई में वो रथ समोरबाग से जाएगा। मैं उसमें भी आप सभी को आमंत्रित करता हूँ, आप अधिक से अधिक संख्या में 4 बजे समोरबाग पहुँचने की कृपा करें। साथ ही इसी क्रम में विभिन्न समाज संगठन अपने अपने स्तर पर भजन मंडिया अपने अपने स्तर पर भजन संध्या कर रहे हैं, इसी क्रम में रथ समिति द्वारा दिनांक 13 तारीख को सायकाल लगभग 9:15 बजे के आसपास एक भजन संध्या होने वाली है, उसमें भी आप इस रथ यात्रा के क्रम में उपस्थित हुए। साथ ही 14 तारीख को सुबह 11 बजे जगन्नाथ धाम सेक्टर 7 से जो यात्रा निकलेगी उसमें सभी भक्तगण पधारे और इस महा रथ यात्रा को विशाल बनाने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग करें। इस तरह का स्वरूप जो है इस रथ यात्रा का रहने वाला है, किस तरह इस रथ यात्रा में तो रथ का निर्माण का काम चल रहा है, इस बार 6 फीट ऊंची गुंबद का निर्माण का काम चल रहा है, और अभी इस बार जो गुंबद है भगवान जगन्नाथ के मंदिर के अनुरूप हम गुंबद का तैयारी कर रहे हैं, पिलर नए बन रहे हैं, और इस बार 7 आरतियों का महाआरतियों का आयोजन किया गया है जिसमें बाबू बाजार की बहुड़ा आरती मतलब महाआरती और बहुड़ा आरती हिंदू राज तिराहे पे बहुड़ा आरती है उसका सफल आयोजन किया जाएगा। इस बार एक विशेष आरती किशन पोल पर भी की जाएगी, किशन पोल गेट के वहाँ किशन पोल नवयुवक मंडल सालवी समाज की तरफ से बहुत भव्य तैयारी की जा रही है, और इस बार 14 झांकी हमारे उस रथ यात्रा का अंदर रहेगी, 2 म्यूजिक सिस्टम रहेंगे, 2 बैंड रहेंगे, और लगभग 2,000 से 2,500 आदमी इस बार साथ में आने का उन्होंने वादा किया है। और इस रथ यात्रा को आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, इस रथ यात्रा को सफल बनाने के लिए
रूट में आप भी पुष्प वर्षा से और भगवान का दर्शन करके आनंद लेवे। धन्यवाद। मैं हेमंत चौहान आप सभी वैष्णव भक्तों का अभिवादन करता हूँ। और इस वर्ष रथ यात्रा के उपलक्ष में सबसे खुशी का मौका ये है कि जगन्नाथ मंदिर में अपने जगदीश मंदिर की परिक्रमा में जो पिछले 300 वर्ष से परंपरागत जिस रथ में ठाकुर जी रथ यात्रा के लिए भ्रमण करते हैं वो नया रथ जो है हम ठाकुर जी को 10 तारीख को मंगलवार को भेंट करेंगे और शाम को 4 बजे समूर बाग से महाराणा साहब महेंद्र सिंह जी और उनके परिवार की अगुवानी में और द्वारकाधीश प्रभु कांकरोली के महाराज श्री वागेश कुमार जी की तरफ से उस रथ को ठाकुर जी को भेंट किया जाएगा। हमारे धर्म में इस चीज़ का महत्व है कि कोई भी रथ या भगवान ठाकुर जी को अर्पित की जाने वाली वस्तु बिना प्रतिष्ठा के और बिना पुष्टि के स्वीकार्य नहीं होती है। तो इस संबंध में हमारे कांकरोली के महाराज श्री जो हैं जो महाप्रभु जी के वंशज हैं वे ठाकुर जी को अपनी तरफ से पुष्टि करके और रथ को भेंट करेंगे। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पधारें। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ और सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।